ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में है ये चीजें सारे चीज़। बिल्कुल है, मतलब एक एक के कैरियर को खाने के लिए ग्रुप काम करता है। हाँ, सब सब एक जुट होके फिर बैंड बजाने में लगते हैं आपके। मैम इस समय है तो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा अन प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आप मुंबई में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं आज तो फीका मौसम है। फीका तो है, लेकिन वही कह रही हूँ ना, उसी को दूर करने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया और इसमें ज़्यादा सुकून है। कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को सुकून ज़्यादा होनी चाहिए। जी, उनकी दुआएं जो हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैम अब आते हैं आपकी फिल्मों के, अभी 2 दिन पहले ही दबंग दामाद का ट्रेलर जारी किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में? ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, मैंने हालांकि बॉम्बे में हूँ नहीं, तो ट्रेलर सामने से पहले देखने का मौका मिल जाता है फिल्में आती हैं तो, बट अचानक से सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा देख के। और जितने भी कलाकार हैं, खास करके रितेश जी की जोड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे पसंद किया जा रहा है। मेरे साथ तो सबकी जोड़ियां पसंद कर दी जाती है। दबंग दामाद में काफ़ी ज़्यादा कमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपकी कोई फिल्म का ट्रेलर जारी। जी हाँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने हमारी जोड़ी को पसंद किया या मुझे पसंद किया। मैम आते हैं अब थोड़ा सा फिल्मों से हटके, आजकल एक बहुत ही गर्म मुद्दा है सुशांत सिंह का मैटर, लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में मैं चाहती हूँ सिर्फ कि उनको न्याय मिले, और उनको ही सिर्फ न्याय नहीं मिलेगा, हम समस्त जितने बिहार के वासी हैं उनको, जितने कलाकार हैं उनको, हर किसी के फेवर में ये चीज़ होगी और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। नहीं मैम, नेपोटिज्म का कहीं ना कहीं आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी और बॉलीवुड में भी, तो ये आपको कैसे लगता है, बॉलीवुड और भोजपुरी मिक्सअप है या देखिए अब हम क्या बोलेंगे, ग्रुपिज्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो। नेपोटिज्म की जहाँ तक बात करें तो ये कोई भी माता पिता है वो तो चाहेगा कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, तो ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से, ग्रुपिज्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में है ये चीज़ें सारे चीज़। बिल्कुल है, मतलब एक एक के कैरियर को खाने के लिए ग्रुप काम करता है। हाँ, सब सब एक जुट होके फिर बैंड बजाने में लगते हैं आपके। मतलब इनडायरेक्टली में आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप आपके पीछे भी है। बिल्कुल है, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, जग जाहिर है। चलिए मैम, ये तो रहा सुशांत सिंह बात पर, लेकिन सुशांत सिंह मुद्दा वही वाली बात है ना कि ये CBI इंक्वायरी सिर्फ हो जाती है, कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कलाकार उठा रहे हैं, तो इस पर आपका सटीक एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब सरकार से क्या मांग होनी चाहिए? नीतीश सरकार से मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छा कदम उठाया है, CBI तक अब ये सौंप दिया गया केस को, और मेरे ख्याल से उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और आई एम श्योर उनको न्याय मिलेगा। मैं यही मांग करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जल्द से जल्द इसको न्याय दिलाएं। आने वाली फिल्मों की बात करें तो अभी तो लॉकडाउन तो ख़त्म ही, धीरे धीरे ख़त्म होने, आने वाली एक बार वैसे तो मुझे पता है लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं लाइंड अप, और जिनमें से एक बेहद खूबसूरत फिल्म है डोली, जिस फिल्म को मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं लाइंड अप, शुभ घड़ी आयो, दबंग दामाद देखा ही आपने, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। अभी 2 दिन पहले ही अरे वाह गाना जो बालाजी रिकॉर्ड्स पर रिलीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, अरे वाह एक अलग तरीके का हिंदी गाना है और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। अभी इमोशनल टच आजकल आप गा रहे हैं, क्या बात? इमोशनल टच अब नहीं गा रही हूँ, मैं शुरू से इमोशनल टच ही गा रही हूँ और मिक्स्ड गाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को मेरा इमोशनल टच वाला गाना ज़्यादा पसंद है।